मैं अपने टाइपिंग क्वालिफाई किया है, थोड़ा जी सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपने अपने टाइपिंग की प्रिपरेशन की और किस तरीके से आपने प्रैक्टिस की ऑफलाइन और ऑनलाइन, और आपने टाइपिंग को क्वालिफाई किया, ताकि जो आपका एक्सपीरियंस है वो 2019 में जो बच्चे टाइपिंग देने वाले हैं उनके काम आ सके। तो थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से जो 2019 वाले बच्चे हैं उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए टाइपिंग की। टाइपिंग प्रिपरेशन के लिए सर, असली तो मैंने क्लास की थी, तो जी, आपने कोचिंग ज्वाइन क्लास, की थी। हाँ जी, मतलब जी लगभग 1 मंथ मैंने क्लास की थी, तो जी वो तो प्रैक्टिस उस, के लिए रहता है कि वहाँ पे आपको ढेर सारे कीबोर्ड मिल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा जी क्या है कि स्टार्टिंग में कैसे हाथ रखना है, किस जी हाँ, तरह से बैठना है, ये सारी चीजें वो हमें तो बेसिक जानकारी चीज मिल है। जाती है, हाँ जी। जी। और उसके बाद फिर सर, टाइपिंग का तो यह है कि इसमें मतलब इतना समझने वाली सोचने वाली बात है नहीं, जाता मुझे लगता है जितना हो सकता है आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, बस जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना जी। आपकी स्पीड इंक्रीज होती अच्छा, जाएगी। ये बताइए जैसे और कि स्टार्टिंग में, हाँ, एक चीज का मैं बोलना चाहता हूँ कि जी फर्स्ट में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम स्पीड इंक्रीज करने के चक्कर में लग जाते हैं, बिल्कुल ज्यादा हम स्पीड पे ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट हमें ये करना चाहिए कि हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए, स्पीड अपने आप आ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल जितना हम एक्यूरेसी पे ध्यान देते हुए चलेंगे सर अपने आप स्पीड फिर इंक्रीज होती चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे 2018 में भी ऑनलाइन हुआ था, इस बार भी हाँ जी, आपका ऑनलाइन होगा, तो हाँ जैसे जी, बच्चों के दिमाग में रहता है कि ऑनलाइन टाइपिंग होगा तो सिर्फ हम ऑनलाइन ही करेंगे प्रैक्टिस, तो कितना ये सही है? क्योंकि मैं हमेशा राय देता हूँ कि ऑफलाइन जो टाइपिंग है वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप टाइपिंग नहीं निकाल सकते। आप कितना इस बात से सहमत हैं? सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ऑफलाइन करना बहुत जरूरी है जी ना। जी ऑफलाइन से आपको हैबिट बनती है कि स्क्रीन पर नजर रखने की, बिल्कुल बार बार नजर नीचे नहीं जाती है, मतलब नीचे स्क्रीन से हटती है नजर, अगर स्क्रीन स्क्रीन पर जितना रहेगी उतना एरर आएंगे उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, लेकिन ऑफलाइन लगाने के बाद सर ऑनलाइन लगा के भी जरूर जाना है, क्योंकि हमें वहाँ टेस्ट ऑनलाइन देना है, तो उसकी हाँ, प्रैक्टिस क्योंकि भी क्योंकि करनी जरूरी है। पैरेलल बेसिस पे अगर आप करेंगे तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ जी, हाँ जी, तो अच्छा, एक ऑनलाइन तो करना ही है, हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन तो करना है, करके जाएंगे। ऑफलाइन भी हाँ करते रहिए। जी, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे जिन स्टूडेंट की इस समय पे 10 से 15 आ रही है स्पीड, तो क्या वो कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? हाँ सर, 10 से 15 अगर आ रही है तो अगर उसके पास टाइम 1 मंथ है ना, तो हाँ, 1 मंथ तो अभी 3 नवंबर 1 मंथ को में टाइपिंग भी होने दस वाला से है। पंद्रह से आप 35+ करके जा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल 10 से 15 में ही, 1 मंथ के अंदर। बस आप जी, कितना टाइपिंग को टाइम दे रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है बस अगर आपके अंदर आगे। हाँ डेडिकेशन है तो आप कर लेंगे, अगर जी, हाँ जी, आप करना चाहते डेडिकेशन हैं। है। दूसरा, सिर्फ ऐसे नहीं करना है कि बैठ गए और 10 से 15 मिनट की और फिर नहीं, जी आप घंटे 2 घंटे लग के करिए, बीच में गैप लीजिए, फिर करिए, गैप लीजिए, फिर करिए। तो जी टाइपिंग को इतनी बड़ी चीज नहीं है, हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने सर 1.5 महीने में टाइपिंग करके मैं 45 करके ले गया था। हाँ, वही है ना कि आप कितना सीरियसनेस के साथ उसे करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, सबसे जरूरी ये है। अच्छा, ये बताइए एक और क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि मतलब जो है टाइपिंग हमें अभी से, जैसे चूंकि 3 नवंबर को टाइपिंग होने वाला है, तो डेली कितने घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए टाइपिंग की, कितना डेली टाइम सर देना देखिए, चाहिए लगभग? वैसे तो जितना आप देंगे आपके लिए बेटर ही है, हाँ, जितना क्योंकि यही है, बच्चे अपना ऑलमोस्ट टाइम यही है देंगे, है बचा ना। हुआ। जी हाँ, जितना आपके पास फ्री टाइम है आप दे, लेकिन जी अगर आप पर डे, मिनिमम हाँ, मिनिमम टाइम की अगर बात करें तो मिनिमम आप 2-3 आवर जी वन वन दिन में, एक दिन में 3 से 4 घंटे अगर आप देते हैं, जी और सर ऐसे नहीं देना कि लगातार आप 2 घंटे या 1 घंटे बैठ के नहीं देना, क्योंकि जी लगातार बैठने से आएगा मतलब बोरिंग हो जाएगी, हाँ, फिर वो उसके आपकी बाद आप एक्यूरेसी टाइपिंग भी में नहीं वो एनर्जी आएगी के साथ नहीं और हाँ बैठेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो करना ये है कि जैसे आपने मान लीजिए 15 मिनट के या 10 मिनट के 2 टेस्ट लगाए, जी जी उसके बाद बीच में रेस्ट लेना है 5 से 10 मिनट का, ताकि आपको फिंगर्स को भी थोड़ा हाँ रेस्ट मिल जाए, फिर उसके जी बाद फिर 2 सेट लगाने, फिर रेस्ट लेना। इस तरह आप बोर भी नहीं होंगे और पूरी एनर्जी के साथ आप अपने टेस्ट को लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो कंटेंट हम टाइप करते हैं उसका कितना बड़ा रोल रहता है ऑफलाइन में? अगर कंटेंट का सर हमें यह ठीक है, ठाक कंटेंट मिल जाए तो कितना क्या बेनिफिशियल रहता है? जैसे कि उसमें चूंकि मैं कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ स्टूडेंट को,
इससे मैंने ज़्यादातर कोशिश ये किया है कि प्रीवियस ईयर सेट मैंने कराए उनको तैयार, और मोस्ट जो एक्सपेक्टेड जिस तरीके से एसएससी का पैटर्न है उस जी बेसिस पे मैंने सारे सेट बना दिए हैं। तो एक सिलेक्टेड कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट रहता है? सर, सिलेक्टेड कंटेंट से सीधा सीधा आप ये मान के चलिए कि जी आप वो प्रैक्टिस करके जा रहे हैं जो आप एग्जाम में फेस करने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे तो क्या होगा, आप घर जैसे से ही आप वो आप एग्जाम घर दे से ही सबके तैयार तैयारी होके जा होगी। रहे हैं, आप घर से ही तैयार होके जा रहे हैं जो एग्जाम में आप देने वाले हैं, तो उससे जी, बेटर तो कोई है ही नहीं अगर आप प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है उसी को लगा रहे हैं। हाँ तो जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट को, जिसमें मोस्टली जी हमने प्रीवियस पैसेज ही उनको आरटीआई के थ्रू निकाल के प्रोवाइड कराए हैं, मतलब हाँ जी जितना पॉसिबल हो सका, और उसके हाँ अलावा जी उस पे बेस्ड जो पैसेज हैं वो हमने बनाए हैं, तो क्या हाँ जी स्टूडेंट को सर, ये कंटेंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ये कंटेंट तो, मतलब मस्ट है कि इस कंटेंट को तो आपने लगाना ही है, हाँ, लगाना क्योंकि ही हमारा लगाना है। जो एक्सपीरियंस है, हमने वो सारा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करा दिया है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। हाँ जी हाँ सर, एक्सपीरियंस आ जाए, हाउ टू डू ये आ जाए, किस तरह से टाइपिंग वहाँ डील करनी है आ जाए, उसके बाद कुछ नहीं बचता, आपकी प्रैक्टिस बचती है, आप जितना प्रैक्टिस होके जाएंगे। जी और एक चीज सर मैं और बोलना चाहूंगा कि वहां जाकर कुछ बच्चे मतलब स्टार्टिंग में ही ना थोड़ा जी सा क्या बोलते हैं हेजिटेट हो जाते हैं। हेजिटेट हो जाते हैं, और टाइपिंग करने जैसे शुरू करते हैं उस समय, क्योंकि सारे एक साथ शुरू करते हैं तो हाँ, कीबोर्ड की शुरू, जो आवाज है बिल्कुल साउंड है वो बहुत बिल्कुल तेजी से आती है, तो बिल्कुल वहाँ होपलेस होकर के जल्दी जल्दी स्टार्टिंग में शुरू जी करते हैं, तो ऐसा ना करें। हाँ स्टार्टिंग में 1 मिनट अपना आराम से हाथ को लेके मतलब सेट करें हाथ को हाँ और दूसरे पे फोकस फोकस ना को करें। सेट करें। हाँ दूसरों फोकस ना करें, जब लगभग आधा 1 मिनट के अंदर आप फोकस हो जाएंगे, आपका हाथ सेट हो जाए, उसके बाद में जो आपकी स्पीड आएगी ना नेचुरली वो बहुत अच्छी आएगी, और बहुत अच्छा आप एक बार में कंटेंट को सही लिख पा रहे, कोई बिल्कुल लाइन बिल्कुल। छूटेगी भी नहीं, एरर भी बहुत कम आएगी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे 2018 में जो आपका टाइपिंग हुआ था ऑनलाइन, तो हाँ जैसे जी कि हम सॉफ्टवेयर पे करते हैं टाइपिंग, तो उसमें क्या होता है कि जो हमें करने होते हैं वर्ड वो हाईलाइटेड होते हैं, और जो हम कर चुके होते हैं वो मतलब वो उतने हाईलाइट नहीं रहते हैं, तो ऐसा क्या वहां पे होता है? सर, वहां तो हाईलाइट नहीं होता है, वहां तो सीधे सीधे आप लिखते जाते हैं थोड़ा बहुत जो सा वहां फर्क पढ़ना है। पड़ता है या सर नहीं पड़ता? जैसे कि जो हमने वर्ड टाइप कर दिया, हल्का सा उसका लाइट वगैरह कम हो जाता है, या मतलब वैसे रहता है कंटेंट? नहीं वैसे ही होता है सर, इतनी कोई फर्क आता नहीं है, बाकी अच्छा, वो आपको ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, आपको अपना ध्यान, मैंने वही स्टार्टिंग में अभी बोला ना कि जी आप जितना तो मतलब नॉर्मल होके पीस होकर टाइपिंग को करेंगे जी जी मतलब लाइन भी नहीं छूटेगी, एरर भी बहुत कमी से कम होंगे, जितना आप होपलेस हो गए आसपास को देख के। कई बार ऐसा लगता है कि औरों की मतलब साउंड तेज आ हाँ रही है, हाँ मतलब जी उनकी स्पीड हाँ, अच्छी चल रही है, मेरी स्पीड ही नहीं आ रही, लेकिन ऐसा तो कुछ होता वो नहीं है। हाँ ऐसा कुछ नहीं, आप जैसे आप घर से सिर्फ अपने प्रैक्टिस आप हो पे गए हैं तो फोकस वही करिए, आएगी आपकी। आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल सर, एक और क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे इऑन डिजिटल की लैब में आपका टाइपिंग हुआ होगा, तो वहां पे कीबोर्ड कौन से थे? सर, वहां पर ये नॉर्मल वाले कीबोर्ड थे, आपको जैसे कौन एक सा तो कीबोर्ड मिला था? आप कुछ थोड़ा बहुत याद है, आपको आइडिया है? मेरे को वो मिला था सर, एक क्या बोलते हैं, एक तो इंटेक्स का आता है, उससे तो मैं घर पर प्रैक्टिस करता था। जी, वहां पर था एचपी का था दूसरा क्या? एचपी का नहीं था, अगर आप और कोई नाम बोले मेरे को याद आ जाएगा। एचपी का होता है, क्यूएचएमएल का होता है, लेनेवो का होता है। नहीं लेना वो भी नहीं था, एक सेंडिक्स करके आता है क्या? हाँ, आते होंगे, कई आते हैं, कई कंपनियां बनाती हैं। अच्छा ये हाँ बताइए, उसकी जो कीज थी वो मतलब सिंपल नॉर्मल थी, इजीली प्रेस हो रही थी, या हार्ड था? नहीं नॉर्मल ही था, बाकी सर मैं आपको एक बात बताता हूँ जो जी स्टूडेंट को करना चाहिए, जी जी जब हमारे पास पहले वो आता है ना डेमो टेस्ट आता है, जी जी तो उसमें कई बार क्या करते हैं वहाँ लोग स्पीड लगाने को कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में ना, जी जाते हैं वो स्पीड सोचते हैं हाँ कि इसको स्पीड लाए, लेकिन वो ना करके, क्योंकि वो तो डेमो है, अगर वो जी खराब भी होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसको मैंने आपको ये इतना किया था सीरियसली नहीं कि लेना उस है। समय मैंने अपना पूरा कीबोर्ड चेक किया था, जी मैंने सारी पहले कीज चेक की कि प्रॉपर वर्क कर भी रही है नहीं कर रही है, बिल्कुल सही इन बात केस आप कह अगर रहे कुछ हैं, प्रॉब्लम होती है तो आप उसको चेंज करा बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। ये स्टूडेंट को जरूर ध्यान देना है कि वहां पे उस डेमो जो आपको मिलेगा उसको आपको टाइप करने फोकस नहीं करना है। आप जो अपना कीबोर्ड है उसको चेक करिए कि सारी जो हाँ कीज हैं जी वो प्रेस हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, पर आप उसे चेंज भी करा सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, स्टार्टिंग में आप वही करिए, पहले अपना कीबोर्ड चेक कीजिए, जो भी जी जितनी भी कीज हैं
सबको प्रेस करके देखिए प्रॉपर वर्क हो रही है, फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा डेमो ले लीजिए, बाकी डेमो आपका टेस्ट आ जाएगा उसके बाद। से तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप उतना मेंटेन होकर खुद से जाते हैं वहां पे, हाँ वो जी सिर्फ हाँ आपका रिहर्सल के लिए होता है कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। और बिल्कुल जो आपने बिल्कुल बात कही वही मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ स्टूडेंट के लिए कि उन्हें जो है शुरुआत का अपना जो 1 मिनट है उसमें स्पीड पे फोकस नहीं करना है, उसमें स्लो टाइप करिए आप। जब एक बार आप 1 मिनट टाइप कर लेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता रहेगा और धीरे धीरे आपकी स्पीड बहुत अच्छी आ जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी 1 मिनट के अंदर आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, फिर क्या है कि फिर आपके एरर के चांसेस जो हैं वो बहुत कम रहेंगे, और शुरुआत में हाँ अगर आपने हड़बड़ी कर दी तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि टाइपिंग पास होना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हाँ सर बिल्कुल दस ही सर मिनट बिल्कुल मिलते हैं आपको, 10 ही मिनट डिसाइड करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट अगर चीज़ होती है। स्टार्टिंग में अगर आप हड़बड़ा गए जी और तो सर पूरा टाइपिंग बिगड़ जाता है। और मतलब एरर का यह है कि अगर एक लाइन छूटती है तो जी आप भले ही आपने स्पीड 45 45 40 50 कर दी हो, लेकिन सिर्फ एक लाइन छूटने से आप इतना एरर हो जाएगा कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने ही जो बात कही उसको मैं फिर से बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ऑफलाइन भी करते रहिए, कंटेंट हार्ड कॉपी कंटेंट से जरूर करिए टाइप, और ऑनलाइन जो है वो पैरेलल बेसिस पे करते रहिए। जी 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 चलिए, आपने सर मुझसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।